तो गाइज ये आप देख सकते हैं गांधी मैदान का पूरा नजारा, भीड़ भाड़ हमेशा रहता है। गेट नंबर 7 से इंटर किए हैं, यहाँ पे देखिए गांधी मैदान गेट नंबर 7 इस तरह का नजारा है। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी मैदान का जो क्षेत्र है पटना के बीचों बीच है। और गाइज ये आप देख सकते हैं गांधी मैदान का पूरा नज़ारा, जैसे कि मैं गेट नंबर 7 से इंटर किया हूँ और ये गांधी मैदान का आप नज़ारा सामने में देख सकते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ हमेशा रहता है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में, आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इधर देखिए पूरा भीड़ भाड़ रहता है और इतना बड़ा गांधी मैदान है और आप लगभग मेरे हिसाब से ये पचास एकड़ में होगा या फिर 30-40 एकड़ में। आप देख सकते हैं हमेशा यहाँ पे लोग जमा रहते हैं। ये हम गेट नंबर 7 से इंटर किए हैं, यहाँ पे देखिए गांधी मैदान गेट नंबर 7। और गेट नंबर 7 से इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ से आप गांधी मैदान में जानते हैं कि मोदी जी आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था और पूरा पटना जाम हो गया था। पटना का कहिए कि ये एक तरह से गांधी मैदान खुला जगह है, जब लोग घूमने के इरादे से या फिर शांति बनाए व्यतीत करना चाहते हैं तो यहाँ पर गांधी मैदान में आते हैं। गांधी मैदान का ग्राउंड आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, आपको मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप गांधी मैदान की इसलिए नाम पड़ा है, तो एक गांधी का यहाँ बहुत बड़ा प्रतिमा है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जाना संभव नहीं है, थोड़ा धूप है और चलने में भी थोड़ा परेशानी हो रहा है। यहाँ देखिए आप बीचों बीच गांधी मैदान के बीचों बीच वहाँ पर गांधी की प्रतिमा आपको दिख रहा होगा, बीचों बीच ये गांधी की प्रतिमा बहुत बड़ी है, इसीलिए इस मैदान का नाम गांधी मैदान रखा गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पटना में बहुत सारा जो जगह है वो गांधी, महात्मा गांधी के नाम से फेमस है, जैसे महात्मा गांधी सेतु, महात्मा गांधी गांधी मैदान और अन्य तरह के जगह का नाम महात्मा गांधी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो था चंपारण बिहार से ही स्टार्ट किया था और पटना में बहुत सारा जीवन व्यतीत किए थे, इसलिए गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर बहुत सारा जगह का नाम पटना में रखा गया है। तो किस इस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई रहती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गांधी मैदान का जो क्षेत्र है पटना के बीचों बीच है और पटना से जितने भी स्टूडेंट हो या फिर जो कामगार हैं या फिर जो बच्चे हैं बूढ़े हैं सब खेलने के इरादे से, घूमने के इरादे से, शांति थोड़ा व्यतीत करने के लिए समय यहाँ पे आते हैं और शांति समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।